वीजा मैंने अप्लाई कर दिए और जैसे अप्रूवल आता है तो विल फ्लाई आउट इंशाल्लाह। सच कहूं आली, तुम्हारी ये बात सुन के शायद मैं परेशान हो जाती या उदास होती, लेकिन जब से तुमने मुझे रिदा का बताया ना, तो मैं तो बहुत खुश हूं अपनी बहू से मिलने के लिए। देखो अगर कोई लड़का है ना तो मुझे बता सकती हो ना, रातों रात उसे ढेर कर दिया ना तुम्हारे कदमों में, मेरा नाम बदल देना। ऐसी कोई बात नहीं है जनाब, बिल्कुल टेंशन मत लो। और मुझे क्यों होने लगा कोई इश्क विश्क? You sure? भाई तो उस लड़की पे उसी दिन दिल हार बैठे थे जब उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्हें मामा के सैलून में देखा था, लेकिन बस इजहार नहीं कर रहे। ये क्या गलती कर दी मैंने? बेटे की पसंद की दुल्हन ले आई मैं, अगर वो उसको आशिक हो गया तो मैं क्या करूंगी? देखिए आपने मॉम को बताया नहीं अपनी पसंद के बारे में, लेकिन मॉम ने उसी लड़की से रिश्ता पक्का किया जिसको आप पसंद करते थे। इसे कहते हैं हसीन इत्तेफाक और गुड लक भी। बहुत लकी है मेरा भाई। या खुदा मैं बहुत कमजोर, अकेली हूं। अपनी माँ को बचाने के लिए क्या करूं, किससे मदद मांगूं? या अल्लाह खैर, ये कैसा धमाका है? जब उनको लाया गया था 90% उनका जिस्म झुलस चुका था। वी ट्राइड आवर बेस्ट, आई एम सॉरी, इज नो मोर। मुश्किल बड़ी पड़ी है, जाने कैसी घड़ी है, ना पे है सारे रास्ते हूँ पागल हुआ, ना इसको कुछ पता है ना उसको कुछ खबर है, कोई तो हॉकी बूटी या कोई दवा, हर दर को खटखटाया ना जाने क्या क्या किया, सच कहती है ये दुनिया लगता है कि ही मसला। शीदे के तो वाईफाई की सिग्नल कम है, शीदे के सिग्नल, शीदे के तो वाईफाई के सिग्नल कम है, शीदे के सिग्नल, शीदे के तो वाईफाई के सिग्नल कम है, शीदे के सिग्नल, शीदे के तो वाईफाई के सिग्नल कम है, शीदे के सब सिग्नल।
करो, जल्दी करो, तेरा पापा की तबीयत मजीद खराब हो रहा। परेशान मत हो बच्चा, कुछ नहीं होगा मामा, कुछ नहीं होगा पापा, कुछ नहीं होगा। हम जा रहे घर, तुम यही रहेगा पापा के पास, लेकिन अकेला कहीं बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा बाहर अकेला। हमने अपने पाप का बदला ले लिया। बता दो हमको जंदोल, बता दो कि कौन था तुम्हारा साथ। हम कसम का के कह रहे हैं, हमने आज तक दुश्मन का औरत पे हाथ नहीं उठाए। तुम्हारा घर का हर औरत को उठा के यहाँ लेकर आएगा और अपना गार्ड को उसके पीछे लगा, बताओ हमको। और लास्ट नहीं आया अभी तक? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, बरलास जल्दी घर आ जाएगा। तुम्हारे सामने ही है चाची, पता नहीं कौन है जो सबको मार रहा है। आयान के सबसे बड़े फ्रॉड का पता ही नहीं था। उसने प्रॉपर्टी बैंक में रखवा के बहुत बड़ी रकम वसूली है। क्या 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 छुपाएंगे हम लाइबा के ससुराल वालों से? उनका मुंह बंद करवाने के लिए तो कुछ बच नहीं गई है। क्या करेंगे हम, कैसे होगा सब कुछ? रूफी का फोन आया था, तुम्हारा पूछ रहा था एज यूजुअल। बहुत परेशान रहता हूँ तुम्हारे लिए। अब्बू आप रूफी भाई से प्लीज कह दें कि मेरे लिए फिक्रमंद मत हो, मैं खुश हूँ, मुतमईन हूँ अपनी जिंदगी से। आपने कहा था कि अगर भाई जरीम को तलाक दे दे तो आप एक बहुत बड़ी रकम देंगी। हाँ कहा था। तो मैं डील पक्की समझू? ऐसा क्या लग गया तुम्हारे हाथ? मेरे हाथ जो सोने की चिड़िया लगी है उसको छोड़ दें आप। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि फायज कुछ दिनों में हरीम को तलाक दे देगा। अगर तुम लोग हमारे घर में रिश्ता लेकर आते हो तो इसमें हर्जी क्या है? कोई मुश्किल नहीं है, अम्मा थोड़े से पुराने ख्यालात की हैं। वो इस बात पे अड़ गई है कि रिश्ता सिर्फ लड़के वालों को ही लाना चाहिए। अच्छा, और अगर मैं अड़ गया तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे वो? भाभी मेरा ख्याल है मुझे मेकअप थोड़ा सा और कर लेना चाहिए। मेकअप ठीक नहीं लग रहा, मैं डर लग रही हूँ। अस्हाब, ऐसे कहाँ मेकअप करती हो इतना, और तुम पे सूट भी नहीं करता है। लुक लवली डियर, बहुत अच्छा लग रहा है सच्ची। अच्छा मुझे ये बताए ना, मैं सुल्तान के साथ बैठी हुई अच्छी तो लगूंगी ना? सुल्तान तुम्हारे साथ बैठा अच्छा लगेगा या नहीं ये सोचो, समझी? क्रेज बढ़ जाएगी उसकी तुम्हारे साथ बैठ के। तुम सोफे पे टांगे पसारे बैठे हो, जाना नहीं है सर क्या? नहीं, मुझे एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे साथ जाओगे तुम? चलो तैयार हो जाओ। शाबाश। अच्छा अभी आप लोग तो जाए ना, देखता हूँ अगर काम से जल्दी फ्री हो गया तो आने की कोशिश करूंगा। आपका बेटा सुल्तान आपके साथ नहीं आया? वो दरअसल हमारे साथ ही निकल रहा था, लेकिन उसे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया। वो कह रहा था कि हमें जल्द ज्वाइन कर लेगा। माने ना दिल, माने ना माने दिल, के तू मेरा।